अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और 100% अथेंटिक है। और ये रेसिपी आपके वज़न को कम करने में आपकी मदद करेगी, और वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा खीरा, 2 टेबलस्पून चने लिए हैं, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप टमाटर, ठीक है, और 2 टेबलस्पून बंद गोभी के लिए लिए हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने अंगूर के लिए हैं। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल लें वरना स्किप कर दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून शिमला मिर्चें। ये सारी सब्ज़ियाँ आपके वज़न को कम करने में और बेली फैट को रिड्यूस करने में हम किरदार अदा करेंगी। और यहाँ पर मैंने लिया था आधा प्याज, उसको मैंने काट लिया, और 2 चुटकी मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्लेवर बढ़ जाएगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है ऑलिव ऑयल, और ये भी आपके वज़न को कम करने में हम किरदार अदा करेगा। और यहाँ पर मैंने 2 चुटकी डाल दी थी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने ले ली थी हरी मिर्च कुटी हुई, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है, और लीजिए हमारा मज़ेदार सा प्रोटीन सैलेड बनके रेडी हो गया है, ठीक है। अब आपने इसको रोज़ाना 1 बाउल इसका आपने खाना है, और इंशाल्लाह आपको हफ्ते के अंदर अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी और भी डाइट को फॉलो करना है, जैसे आपने रोटी से परहेज़ करना है, ठीक है, और आपने जंक फूड कम खानी है, तभी इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।